दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लहसुन की पत्तियाँ हम घर में किस तरह से उगा सकते हैं, लहसुन की भाजियाँ हमें उगाने के लिए क्या क्या करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ लहसुन की कलियाँ लेना है और किसी भी मिट्टी के गमले में आप लगा दीजिए, किसी भी पॉट में आप लगा दीजिए। 10 से 15 दिन में इतनी पत्तियाँ हमारी ग्रो हो जाती हैं। आप मेरा गमला देख रहे हैं, लहसुन की पत्तियों से भरा हुआ है। इसे मैंने सिर्फ लहसुन की कलियाँ मिट्टी में दबा कर लगा दी थी और इस तरह से इसकी पत्तियां बन गई। समय समय पर मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ। हर 4-5 दिन में एक बार मैं इसकी पत्तियां सीजर की मदद से काट लेती हूँ और इन पत्तियों को मैं बारीक बारीक काट कर सब्जी बनाने में यूज़ करती हूँ। पराठे के आटे में मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऑमलेट में भी यूज़ कर सकती हूँ। बहुत सारे यूज़ हैं दोस्तों इसकी पत्तियों का, और गुणों का भंडार है लहसुन, और लहसुन की पत्तियाँ तो उससे भी ज़्यादा लाभप्रद हैं। कई बार हमारे पास चटनी हम पीसते हैं तो चटनी में भी हम लहसुन की कलियां डालते हैं। मान लीजिए लहसुन की कलियां नहीं है तो आप सिर्फ 2 पत्तियां ही इसकी पीस दीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चटनी में। और वैसे भी लहसुन दोस्तों हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, बहुत सी बीमारियों से ये हमें बचाता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है लहसुन, और लहसुन की पत्तियां तो और भी ज़्यादा गुणों का भंडार है। शुगर पेशेंट को भी लहसुन की कुछ पत्तियां अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो बीपी भी कंट्रोल होता है। यदि हम लहसुन की कुछ पत्तियां या लहसुन की कली भी खा सकते हैं, एक कली को आप बारीक बारीक काट लें और उसे सिर्फ पानी से निगल लें तो भी बीपी हमारा तुरंत ही कंट्रोल हो जाता है। तो हमें अपने खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप मिट्टी में लहसुन की कलियां लगा दें और इस तरह से आप अनलिमिटेड इसकी पत्तियां पा सकते हैं, और इन पत्तियों को आप, मैंने आपको यूज़ बता दिया कि पराठे के आटे में, सब्जी में, चटनी में, सैंडविच में और ऑमलेट में, किसी भी चीज़ में यूज़ करिए। और मैं क्या करती हूँ दोस्तों, इस तरह से इसकी पत्तियों को काटती हूँ, धोती हूँ, और धोने के बाद मैं इसमें बारीक बारीक इसे काट लेती हूँ और इस तरह से आप भी दोस्तों अपने घर पर इसे ज़रूर उगाएं। और जब मर्जी है आप फ्रेश इसकी पत्तियां काट लीजिए, क्योंकि लहसुन का ये जो पौधा होता है इसकी पत्तियां बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती हैं। 8 से 10 दिन में वापस इसका ये जो गमला है वो पत्तियों से भर जाता है, और समय समय पर मैं इसी तरह से इसकी कटिंग करती हूँ। और कई बार तो सिर्फ इसकी पत्तियों की भी सब्ज़ी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। हम इसके पत्तों को बघार लें और 2 चम्मच यदि बेसन डाल के मिक्स कर दें तो लहसुन के पत्तों की सूखी सब्जी का तो स्वाद ही बहुत ही बेमिसाल होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों अपने घर पर, किसी भी डब्बे में आप इसे लगा सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छा गमले की ज़रूरत है। आप साधारण, ये पॉट आप देख रहे हैं मेरा प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बॉक्स है, बस इसी में मैंने लहसुन की कलियों को लगा दिया था और आप देख रहे हैं बराबर ये ग्रो होने लगे हैं। समय समय पर हम इसमें पानी डालते रहें और जब मर्जी है आप इसकी कुछ पत्तियों को काट लें और खाने में यूज़ करें। और इस तरह से जैसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ छोटी छोटी पत्तियों में, इस तरह से काट लें। तो अब आप भी दोस्तों अपने घर पर गार्लिक का पौधा ज़रूर लगाएं और लहसुन की भाजियां प्राप्त करें। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि लहसुन की भाजियां हम किस तरह से लगाएं, तो यह है तरीका दोस्तों लहसुन की भाजी लगाने का। आप लहसुन की गठान के लिए मत सोचिए कि गठान को उगने में, मिट्टी के अंदर ग्रो होने में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। तो गठान के लिए हमें नहीं लगाना है, हमें लहसुन की कलियों को लहसुन की भाजियों के लिए ही ग्रो करना है, ताकि हमारी जब मर्जी है हम इसकी कुछ पत्तियां काट लें। इसे मैंने छोटे से अपने टेरिस पे ही लगाया डिस्पोजेबल बॉक्स में, और ये गमला मेरा इतना अच्छा पत्तियों से भर चुका है। आप देख रहे हैं मैंने पूरे गमले की पत्तियां काट ली हैं क्योंकि मुझे आज सब्जी बनाना है। 10 से 15 दिन में ये गमला फिर पत्तियों से हरा भरा हो जाएगा। और लहसुन के फ़ायदे तो मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा पॉट है, मैं इसी तरह से 1-2 पॉट में लगा कर ही रखती हूँ लहसुन को, और समय समय पर पानी देना ना भूलें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी हम इसे सनलाइट देंगे उतनी ही हरी भरी इसकी पत्तियां होंगी। तो दोस्तों ये थी हमारे लहसुन की भाजी।